नमस्कार, इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। कल पुणे के ग्राउंड पर भारत और बांग्लादेश का महामुकाबला होने जा रहा है, और महामुकाबला मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बांग्लादेश वही टीम है जिसने 2007 के वर्ल्ड कप में भारत को हराकर 5 विकेट से हराया था, और भारत जो है उस विश्व कप से बाहर भी हो गया था। और उस वक्त टीम इंडिया के कप्तान थे राहुल द्रविड़, और आज राहुल द्रविड़ के जहन में ये बात ज़रूर होगी कि उस विश्व कप में उस हार का बदला जो है बांग्लादेश से लेना है। तो कहीं ना कहीं रोहित एंड कंपनी और राहुल द्रविड़ बांग्लादेश को हराने के लिए पूरी प्लानिंग कर रहे होंगे, लेकिन बांग्लादेश जो है वो एक छुपी रुस्तम टीम है। वर्ल्ड कप में वो अब तक 2 उलटफेर कर चुकी है। आपको बता दें कि 1999 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 62 रनों से हराया था और एक बड़ा उलटफेर किया था, क्योंकि उस वक्त जो है बांग्लादेश बेहद कमज़ोर टीम मानी जाती थी। और 2007 में फिर भारत को बांग्लादेश ने 5 विकेट से हराकर उलटफेर किया था। और मैं आपको बता दूं कि कल पुणे में जो मैच खेला जाएगा उससे पहले अगर दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले अगर 4 मैच हम देखें, आपको याद होगा कि 2022 में बांग्लादेश के दौरे पर टीम इंडिया गई थी, 3 मैच की सीरीज़ थी, उसमें से 2 मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और सिर्फ 1 मैच जो है भारत जीत पाया था। तो यानी 3 मैचों की सीरीज़ में 2 मैच हारे, सीरीज़ भी गंवा दी थी भारत ने। ये अभी हाल ही की बात है, 2022 दिसंबर की, कुछ महीने, चंद महीने पहले की बात। और 2023 सितंबर महीने में खेले गए एशिया कप के Super 4 मुकाबले में आपको याद होगा कि बांग्लादेश ने भारत को एशिया कप में भी हराया था। तो कहीं ना कहीं भारत के जहन में ये सारे जो हार है और जो 2007 का उलटफेर है वो होगा, और टीम इंडिया और मैनेजमेंट पूरी तरह से तैयार होगा कि इस बार कोई उलटफेर ना हो। क्योंकि आपको याद होगा कि नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को धर्मशाला के स्टेडियम में हराकर उलटफेर किया, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को, जो 2019 की वर्ल्ड चैम्पियन है, मजबूत टीम है, उसको भी दिल्ली के ग्राउंड पर अफगानिस्तान ने धूल चटाकर इस विश्व कप का जो है वो पहला उलटफेर किया। तो इस विश्व कप में क्या और ज़्यादा उलटफेर देखने को मिलेंगे या नहीं, क्योंकि कल भारत और बांग्लादेश का मुकाबला है और चर्चा लोगों में ये है जो क्रिकेट फैंस हैं कि कल क्या बांग्लादेश पहले जैसा कोई उलटफेर कर सकती है या नहीं। हालांकि टीम इंडिया का पलड़ा जो है बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा भारी है, 40 मैच खेले हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 वनडे ही बांग्लादेश जो है वो जीत पाया है, और 30 मुकाबले जो हैं वो भारत ने, 31 मुकाबले भारत ने बांग्लादेश से जीते हैं। तो अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो भारत का पलड़ा कहीं भारी है, लेकिन अगर हाल ही के रिकॉर्ड की बात करें तो चार वनडे मैच में से भारत ने सिर्फ 1 जीत जो है वो हासिल की है और 3 बांग्लादेश ने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो डर बांग्लादेश का होगा सबके मन में कि कहीं कल वैसा ना हो जैसा कल धर्मशाला के स्टेडियम में हुआ या फिर दिल्ली में अफगानिस्तान और इंग्लैंड के मैच के दौरान हुआ। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप जो है इसमें उलटफेर कोई नया नहीं है, जब से वर्ल्ड कप चल रहा है तब से एक इतिहास है, और हर वर्ल्ड कप में जो है वो आपको बता दें कि जो छोटी टीमें हैं उन्होंने हर बार जो है उलटफेर किए हैं। 1983 का वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे की टीम आमने सामने थी, और जिम्बाब्वे की टीम जो है बेहद कमज़ोर थी ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने, लेकिन वहाँ जिम्बाब्वे ने उलटफेर कर सबको चौंका दिया था। 96 वर्ल्ड कप की बात करें तो उस वक्त वेस्ट इंडीज़ जो है 2 बार की वर्ल्ड चैम्पियन थी और काफ़ी मजबूत टीम मानी जाती थी, लेकिन कीनिया पहली बार वर्ल्ड कप खेल रहा था और कीनिया ने वेस्ट इंडीज़ को 1996 के वर्ल्ड कप में धूल चटा दी थी, और एक बड़ा उलटफेर जो है ये भी विश्व कप का रहा है।
अब 99 वर्ल्ड कप की बात करें अगर हम, तो इसमें कई उलटफेर हुए, एक उलटफेर नहीं हुआ है, तीन तीन उलटफेर हुए हैं, और दो उलटफेर तो जिम्बाब्वे की टीम ने ही किए थे 1999 के विश्व कप में। आपको बता दें कि पहला तो भारत को जिम्बाब्वे ने हराया था, उसके बाद साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे ने धूल चटा दी थी, तो दो उलटफेर तो ये हो गए थे, और बांग्लादेश ने पाकिस्तान की टीम को 62 रन से हराया था, और एक बड़ा उलटफेर जो है तीसरा उलटफेर 1999 विश्व कप का बांग्लादेश ने किया था। अब बात करते हैं अगले विश्व कप की, 2003 की। 2003 में श्रीलंका और कीनिया की टीम आमने सामने थी, और कीनिया ने 1996 में उलटफेर किया था, उसके बाद 2003 में फिर सबको चौंका दिया, और आपको याद होगा कि कीनिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी उस वर्ल्ड कप में, 2003 के विश्व कप में कीनिया जैसी टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, और श्रीलंका को 53 रनों से कीनिया ने 2003 के विश्व कप में हराया था। अब बात करते हैं 2007 की। 2007 का विश्व कप जो था उसमें दो उलटफेर हुए थे, एक तो बांग्लादेश ने भारत को 5 विकेट से हराया था, और ग्रुप स्टेज का मुकाबला था, और भारत उसमें विश्व कप में बाहर भी हो गया था, और सेम पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, पाकिस्तान को भी विश्व कप से बाहर होना पड़ा था 2007 में, क्योंकि आयरलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था उस विश्व कप में। तो ये दो जो बड़े उलटफेर थे ये 2007 के विश्व कप में देखे गए थे। अब बात करते हैं 2011 की, जिस विश्व कप को भारत ने जीता था उसमें एक उलटफेर हुआ था, और वो भी आयरलैंड की टीम ने ही किया था। 2007 में पाकिस्तान को जिस आयरलैंड की टीम ने हराया, उसने 2011 में, सोचिए, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को 3 विकेट से करारी शिकस्त दे दी थी, और आयरलैंड उस वक्त सुर्खियों में भी आ रही थी, क्योंकि 2007 में अच्छा प्रदर्शन, 2011 में इंग्लैंड जैसी टीम को हराना, और फिर 2015 का विश्व कप था, वहाँ आयरलैंड ने फिर बहुत ज़्यादा क्रिकेट प्रेमियों के अंदर जो है वो सुर्खियाँ बटोरी। क्यों? क्योंकि एक और उलटफेर जो है 2015 में जिस टीम ने किया वो आयरलैंड की टीम थी। वेस्टइंडीज़ ने 305 रन का भारी बड़ा स्कोर जो है वो बनाया था, और सबको लग रहा था कि आयरलैंड जो है वो ये स्कोर नहीं बना पाएगी, लेकिन 25 गेंद शेष रहते ही आयरलैंड ने 305 रन के लक्ष्य को हासिल जो है वो कर लिया था। और फिर 2023 में खेले जा रहे इस विश्व कप में अब तक दो उलटफेर हो चुके हैं, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया, और नीदरलैंड्स की टीम ने साउथ अफ्रीका को धर्मशाला में धूल चटाई। अब कल मुकाबला है भारत पाकिस्तान का। कुछ लोगों का कहना है कि भारत बड़ी आसानी से जीत जाएगा, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ क्रिकेट प्रेमी हैं जो कहते हैं कि भारत को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है वो छुपी रुस्तम है, और उसमें पिछले मुकाबले की बात करें तो लिटन दास जो हैं उनके ओपनर है, उन्होंने 76 रन बनाए थे, और शोरीफुल इस्लाम हैं वो लगातार विकेट ले रहे हैं, और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा शाकिब अल हसन और मिराज हैं, मेहंदी हसन मिराज हैं, उनके पास दो दो हसन हैं, मिराज दो दो मेहंदी हसन हैं उनके पास, और मिराज ने 3 विकेट लिए थे पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के, शाकिब अल हसन ने भी 3 विकेट लिए थे, और स्कोर भी अच्छा कर रहे हैं दोनों ही, चाहे मिराज की बात करें चाहे शाकिब अल हसन की बात करें। और भारत के खिलाफ शाकिब तो चलते ही हैं, चाहे गेंद से कमाल करें चाहे बल्ले से, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट प्रेमी जो हैं उनको डर भी है, भारतीय टीम के जो फैंस हैं उनको डर भी है, लेकिन हाँ, लगातार विश्व कप में टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है हमारा, चाहे बल्लेबाजी की बात करें, चाहे गेंदबाजी की बात करें, चाहे फील्डिंग की बात करें, मध्यम क्रम जो ऑलराउंडर्स हैं, किसी भी क्षेत्र की बात करें, टीम इंडिया इस वक्त एक प्रोफेशनल क्रिकेट टीम की तरह खेल रही है, और कहीं से भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जो हैं वो फॉर्म में हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, विराट कोहली हैं, शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, मजबूत हमारी बैटिंग लाइन है, गेंदबाजी में हम अच्छा कर रहे हैं,
तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया किसी भी तरह की कसर छोड़ेगी। राहुल द्रविड़ जो उस वक्त 2007 में कप्तान थे, उनको इस मैच को जीत कर एक तोहफा देना चाहेगी, क्योंकि 2007 में जो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने भारत को हराया था, उसमें राहुल द्रविड़ जो हैं वो कप्तान थे। तो एक बदला लेना चाहेगी कल पुणे में भारतीय टीम बांग्लादेश से। तो कल के मैच में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उम्मीद है कि भारत अच्छे रनों से, अच्छे विकेट से जीतेगा। और न्यूजीलैंड जो जो टेबल है, पॉइंट टेबल, उस पर ऊपर पहुंची है, उसको नीचे खिसका कर पहले नंबर पे दोबारा से आ जाएगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।